अश्विनी अश्विनीज मेजबानी में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बेसन के लड्डू। बहुत टेस्टी और बहुत फटाफट बन जाता है और बहुत स्वादिष्ट बन जाते। तो अभी रक्षाबंधन है तो रक्षाबंधन स्पेशल हम फटाफट से कुछ ऐसी चीज़ बनाएं कि कम समय में और कम सामान में बन जाए। तो हमारी ये बेसन के लड्डू दो तीन चीज़ में और बहुत फटाफट बन जाते हैं। और मैं वीडियो में कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स बताऊँगी जिससे हमारे लड्डू बिल्कुल परफेक्ट होंगे। आइए हम बनाना शुरू करते हैं। बेसन के लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ एक कढ़ाई रखी है, उसमें हम ऐड करेंगे घी। तो मैं यहाँ 4 चम्मच घी ऐड कर रही हूँ। हमें लो फ्लेम पे ही घी को गर्म करना है ताकि हमारा जैसे बेसन घी में डले तो तुरंत हमारा बेसन कलर चेंज ना हो। तो अभी हम इसमें ऐड करेंगे बेसन। मैंने यहाँ बेसन को छान के लिया है, अच्छे से छानना है ताकि ये बेसन में जो गाँठे लम्स होते हैं ना वो निकल जाए और हमारा बेसन है ना बिल्कुल खुला खुला बन जाए। तो मैं यहाँ 3 कप बेसन यूज कर रही हूँ। ये वेट के हिसाब से 300 ग्राम बेसन है। तो अभी हम इसे ना अच्छे से भून लेंगे। एक इसमें गोल्डन सा कलर आने तक हमें भूनना है बेसन को। पर बेसन हम लो फ्लेम पे ही भूनेंगे, अच्छे से भूनेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा करके घी ऐड करेंगे। लास्ट में मैं बताऊंगी कि मैंने यहाँ कितना घी ऐड किया है। तो इस तरह से मैं अभी कंटिन्यूसली चलाते हुए, हमें बिल्कुल चलाना छोड़ना नहीं है, कंटिन्यू चलाते हुए हमें बेसन को भूनना है। हम थोड़ा भी अगर लापरवाही करते हैं तो हमारा बेसन नीचे से जल सकता है और हमारे बेसन का कलर जल्दी चेंज हो जाएगा और फिर हमारे लड्डू का भी टेस्ट ना अलग से आ जाएगा। इसे कंटिन्यूसली चलाऊंगी। हमें 15-20 मिनट अच्छे से इस बेसन को भूनना है कि बेसन जितना अच्छे से भुनेगा उतने अच्छे टेस्टी और स्वादिष्ट ये हमारे लड्डू बनते हैं। और हमें एक साथ पूरा घी ऐड नहीं करना है, तो हमें थोड़ा थोड़ा करके इसमें घी डालते हुए बीच बीच में एक एक दो दो स्पून भी घी ऐड करते हुए हमें ये बेसन को भूनना है। तो मैं यहाँ अभी थोड़ा सा घी ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने 2 चम्मच घी ऐड किया है। तो अभी ऐसे धीरे धीरे ऐड करते हुए थोड़ा थोड़ा हमें बेसन को भूनते रहना है। एक साथ बेसन में हम घी ऐड करेंगे तो हमारा बेसन है ना अच्छे से भून नहीं पाएगा। तो इस तरह देखो अभी मैंने यहाँ 10 मिनट करीबन ये बेसन अच्छे से भून लिया है। तो हमारे बेसन में एक मॉइस्चर आ चुका है थोड़ा सा और इसका कलर भी हल्का सा चेंज हो चुका है। तो देखो इस तरह से, तो भी मैंने इसे कंटिन्यू चलाया है, मैंने इसे थोड़ा भी छोड़ा नहीं है चलाना। और ये बेसन में ना लम्स बन जाते हैं जैसे भूनते हैं हम, गर्म हो जाता है तो ये चिपक जाते हैं और इसमें ना थोड़ी छोटी छोटी गाँठें बन जाती है। तो जैसे ये हम चम्मच से ना चलाते टाइम ही इसे प्रेस करते हुए हमें इसे फोड़ते रहना है। अच्छे से प्रेस करेंगे बेसन में लम्स बन रहे वो भी जाएंगे और हमारा बेसन खुला खुला बनेगा। तो मैं यहाँ और थोड़ा सा घी ऐड कर रही हूँ। हमें ज़्यादा घी नहीं ऐड करना है। ज़्यादा घी भी बेसन के लड्डू में ऐड करने से हमारे लड्डू का शेप अच्छे से नहीं आता, जल्दी से बन नहीं पाते हैं तो इन फिर ये फैल जाते हैं। तो देखो इस तरह से हमारे ये ना बेसन अच्छे से भून चुका है। अभी हमें क्या करना है, गैस की फ्लेम ऑफ करके और एक बर्तन में इसे निकाल के लेना है। देखो अच्छे से कलर आ चुका है हमारे बेसन में गोल्डन सा। और मैं अभी इसे ना दूसरी प्लेट में निकाल देती हूँ। और देखो मैंने यहाँ एक प्लेट में निकाल दिया और अभी हमें इसे ठंडा करके लेना है। तो ये अभी हमारा हल्का सा ठंडा हो चुका है। तो इससे क्या करना है, अभी हमें बेसन को ना ये इसमें छोटे छोटे गाँटे दिख रही है तो एक छन्नी की हेल्प से हम इसे छान लेंगे। तो देखो ये इस तरह से जो हमारा बेसन है भुना हुआ, तो हम ऐसे छन्नी में डाल देंगे और इसे छान लेंगे। इसे छानने से क्या होगा, हमारा बेसन है ना बिल्कुल हल्का सा फ्लफी सा हो जाएगा और बिल्कुल इसमें गाँटे नहीं बनेगी। तो हमारा लड्डू का जो मिश्रण है ना बिल्कुल स्मूथ और सॉफ्ट बनेगा। तो मैं अभी इस तरह से इसे छान लेती हूँ, पूरा अच्छे से छानना है। तो देखो इस तरह से छानने के बाद हमारा बेसन कितना खुला खुला दिखाई देता है। घी की वजह से थोड़ा सा छानने में प्रॉब्लम होती है तो हमें हाथ से थोड़ा सा प्रेस करते हुए इसे छानना है
और छानने के बाद बिल्कुल हमारा बेसन है ना दानेदार और अच्छे से दिखाई दे फ्लफी खुला खुला दिखाई देता है। तो देखो अभी हमारा बेसन ठंडा भी हो चुका है और बिल्कुल मैंने पूरा अच्छे से इसे छान के लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे इलायची पाउडर जो मैंने पहले ही पीस के रखी है। यह मैंने छोटा आधा चम्मच यूज किया है। अभी हम इसमें ना 3 कप बेसन मैंने यूज किया है, तो हम यहाँ 1 कप को कम उतना शुगर पाउडर ऐड करेंगे, आधा कप से ज़्यादा और 1 कप को कम। और मैंने यहाँ ना शुगर को बिल्कुल पाउडर नहीं बनाया है, थोड़ा सा दरदरा रखा है ताकि ये खाते टाइम ना शुगर का ना क्रंचनेस आ जाए मुंह में और हमारे ये लड्डू मुंह में चिपके नहीं। इस तरह से परफेक्ट मेजरमेंट से अगर आप ये बेसन के लड्डू बनाते हैं ना बिल्कुल परफेक्ट बन जाते, कभी भी आपके ये बेसन के लड्डू खराब नहीं होंगे ना इनका शेप चेंज होगा। तो देखो अभी मैंने यहाँ अच्छे से हमें ये मिश्रण को मिक्स करते हुए इसके लड्डू बनाने हैं। जैसे मैं हाथ से प्रेस कर रही हूँ तो देखो हमारे ये लड्डू बन रहे हैं। तो मैंने अच्छे से ये पूरे बेसन में ना शुगर पाउडर हम मिक्स किया है। तो आपको अभी जितना छोटा बड़ा बनाना है लड्डू उसी हिसाब से आप इसका मिश्रण लेके हाथ में इसके लड्डू बना सकते हैं। तो इस तरह से देखो मैं अभी इसके लड्डू बना रही हूँ। छोटे छोटे बेसन के लड्डू अच्छे लगते हैं तो छोटे छोटे ही बना रही हूँ। तो इस तरह से अच्छे से हम इसे बना लेंगे। मिश्रण आपका ड्राई लग रहा है तो आप थोड़ा सा घी को मेल्ट करके घी को ठंडा करके बाद में आप इसमें मिश्रण में मिक्स करना, गरम घी इसमें ऐड नहीं करना। गरम घी ऐड करने से आपकी शुगर है ना पानी छोड़ देगी, फिर आपका मिश्रण है ना पतला हो जाएगा। तो देखो इस तरह से मैंने ये लड्डू बना दिए हैं, बहुत टेस्टी और बहुत फटाफट बन जाते, बहुत जल्दी बन जाते ये बेसन के लड्डू। आपके मिश्रण में आपसे घी एक्स्ट्रा हो गया या ज़्यादा आपका ये मिश्रण है थोड़ा सा पतला हो गया, आपके लड्डू का शेप सही से नहीं आ रहा है, आपसे बन नहीं रहे, तो आप इसे ना फ्रिज में रख सकते हो। ये जल्दी से घी फ्रिज में रखने से थोड़ा ये मिश्रण थोड़ा सा टाइट हो जाएगा, आपका मिश्रण है ना फिर लड्डू बनाने के लिए तैयार हो जाएगा। पर ऐसे करने से हमें ना फिर फ्रिज के बाहर हम फिर मिश्रण निकाल के लड्डू हम फ्रिज के बाहर नहीं रख सकते, क्योंकि फिर ये मेल्ट हो जाता है जैसे रूम टेम्परेचर में आता है, तो ऐसे हो जाता है आपके मिश्रण। आपको ये मिश्रण थोड़ा लिक्विडी या थोड़ा ज़्यादा ये लग रहा है मॉइस्चरी लग रहा है, तो आप इसमें ना 2-4 चम्मच या तो डेसिकेटेड कोकोनट ऐड कर सकते हो या थोड़ा सा सूजी हल्की सी बारीक सूजी भून के या बेसन को आप बिना घी का भून के आप इसमें ऐड कर सकते हो। फ्रिज में रखने से उतनी देर के लिए हमें बेसन के लड्डू का शेप अच्छा लगता है, पर बाद में जैसे रूम टेम्परेचर में आ जाते तो फिर शेप बिगड़ जाता है। तो इस तरह से ये मैंने सारे बेसन के लड्डू बना के रेडी कर दिया। आप इसमें गार्निशिंग करने के लिए आप पिस्ता कट करके डाल लगा सकते हो या आप काजू लगा सकते हो, आपके पास जो ड्राई फ्रूट अवेलेबल होगा या आपको जो पसंद होगा वो आप ड्राई फ्रूट इस पे लगा सकते हो। इस तरह से मैंने इसमें सब में कट करके पिस्ता के छोटे छोटे पीस लगा दिए हैं और देखो कितना फटाफट ये हमारे बेसन के लड्डू बन गए। हमने इसमें कलर भी ऐड नहीं किया ना हमें इसे ज़्यादा लिक्विडी हुआ है तो फ्रिज में रखना पड़ा, ना हमें इसमें घी कम पड़ा है तो एक्स्ट्रा घी डालना पड़ा। इस मेजरमेंट से लिया वो परफेक्ट मेजरमेंट है। आप इसी तरह से ही लड्डू ये बेसन के बनाओगे तो आपके बहुत टेस्टी और स्वादिष्ट बनेंगे, आप इस तरह से ज़रूर ट्राई करना। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और आप भी ये बेसन के लड्डू बना के ज़रूर खाना। बहुत फटाफट और बहुत टेस्टी बनते हैं। और इस तरह से अगर मैंने जो मेजरमेंट बताया है, मैंने बहुत सारी वीडियो में छोटी छोटी ट्रिक्स बताई, वो छोटी छोटी ट्रिक्स को आप यूज करके अगर ये आप लड्डू बनाओगे तो बहुत परफेक्ट तरीके से बनेंगे, बिल्कुल आपके ख़राब नहीं होंगे। लड्डू बनाते टाइम आपको घी अगर कम लग रहा है, कभी कभी बेसन पर भी डिपेंड करता है कि बेसन में कितना घी यूज हो जाएगा, कभी बेसन बहुत ज़्यादा बारीक होता है और बेसन के लड्डू बनाते टाइम थोड़ा सा दरदरा मोटा सा बेसन यूज करने से बेसन के लड्डू बहुत टेस्टी बनते हैं।
अगर कभी कम भी हो जाए तो आप उसको थोड़ा सा गरम करके, एक्स्ट्रा घी गरम करके थोड़ा ठंडा करके फिर ऐड करना। और अगर एक्स्ट्रा हो जाता है तो आप थोड़ी सी सूजी बिना घी की सूजी भून के आप उसमें ऐड कर सकते हो 2-3 चम्मच, या आप डेसिकेटेड कोकोनट ऐड कर सकते हो। इस तरह से अगर आप बेसन के लड्डू बनाओगे तो बिल्कुल परफेक्ट और स्वादिष्ट बनेंगे। तो बहुत टेस्टी स्वादिष्ट चटपटी रेसिपी के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।